जयपुर में लॉकडाउन की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। ऐसे एक मामले में श्याम नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अली सुशीलपुरा इलाके में गांजे की सप्लाई करने आया था, इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी से नकदी भी बरामद कर ली है। पूछताछ में सामने ये आया है कि आरोपी मोहम्मद अली जयपुर के मुख्य तस्कर हमीदा का बेटा है, जो कि कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकर बाहर आई है। आरोपी तस्कर पहले भी कई बार मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। लॉकडाउन को देखते हुए इवनिंग और मॉर्निंग में ये डेली ही गश्त में रहते हैं हम, ताकि पब्लिक से लॉकडाउन उल्लंघन नहीं करे, उसकी पालना करवाते रहें। तो ऐसे ही गश्त करते हुए हम पुरानी चुंगी के पास गए, तो एक आदमी, उसके पास बैग था, ढलान की तरफ जा रहा था, सुशीलपुरा टूटी पुड़िया के नीचे पास से जा रहा था। तो उसको हमें देख के वो तेज़ चलने लगा, तो हमें डाउट हुआ कि इसके पास हो सकता है कोई संदिग्ध वस्तु हो बैग में। तो उसको रोक के देखा तो उसके बैग में कोई मादक पदार्थ गांजा था 2 किलो। मोहम्मद अली नाम का व्यक्ति है, जो चांदपोल का रहने वाला है बेसिकली, और अभी यहाँ भी रहता है, इसका मकान है यहाँ। इसकी मदर है, इसकी हमीदा इसकी मदर है, तो वो भी तस्कर रही हुई है। उसके भी अभी थोड़े दिन पहले हमने भी मुकदमा बनाया था, और अभी वो थोड़े दिन पहले ही छूट